इनफैक्ट ये प्रॉपर प्रपोजल नहीं है, ये दो एपिसोड्स के लिए मैं और परिणीति एज अ फ्रेंड जा रहे हैं, एज अ बडीज जा रहे हैं कंटेस्टेंट्स के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट पहला रियलिटी शो था जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ था, तो अब मैं उसमें एज अ मेंटर, एज अ जज या फिर एज अ फ्रेंड वहाँ पर जा रहा हूँ, इट फील्स ग्रेट। नहीं एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे 2 साल हुए हैं और मेरा पूरा पहला साल इसी में बीता कि अरे अच्छे कपड़े नहीं पहनती और ये अपना वेट नहीं कम करती, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उससे, क्योंकि मैंने कहा आप मेरी एक्टिंग के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, मेरे कपड़ों के बारे में भी कहें, तो मैं उससे परेशान हो गई थी। मैंने कहा अब मैं फैशन में इंटरेस्ट लेने वाली हूँ और मैं वज़न कम करने वाली हूँ, तो आई थिंक वो शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अब। आई थिंक टैलेंट, आप जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे टैलेंटेड बनते हैं, और जितना आप परफॉर्म करते हैं, जितना आप में आपको आप में रियाज होता है एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस यू डू। यू नो एक्चुअली मुझे बहुत अजीब लगा था पहले दिन शूटिंग पे, क्योंकि मैंने कहा मैं कौन से एक्सपीरियंस से जज बन गई, यू नो, क्योंकि आपको हमेशा अजीब लगता है कि आप किस औकात से आप जज बन रहे हैं। मैंने जब पहला कंटेस्टेंट देखा तो मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पर्सनल एडवाइस दी कि यू नो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सेट पे ऐसे होते तो आप ऐसे करते ऐसे, एंड उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जज बनने की ज़रूरत नहीं है, यू नो आई कैन जस्ट बी कि जैसे उन्होंने मेरे एक रूम में उनको मुझे दिखाया कुछ करके और मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ, यू नो, तो आई थिंक उस औकात से आई थिंक मैं उनकी दोस्त हूँ, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से मैं उनको एडवाइस दूँगी। आई थिंक राइट नाउ ऑडियंसेज आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, जो कंटेस्टेंट्स हैं बहुत फॉर्चुनेट है, बिकॉज देव गॉट एरे ऑफ रियलिटी शोज जो जिसमें वो अपना टैलेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं। आप ये देखेंगे जो टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स दूसरे रियलिटी शो में थे वो इवेंट्स के जरिए काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं एंड देर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। आई थिंक ये रियलिटी शोज जो है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं बहुत टैलेंटेड लोगों को। नो नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यू नो आई थिंक जो लोग एक्टर्स नहीं हैं या जो लोग इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए उनको लगता है अरे ये तो उसकी बहन है और ये तो उसके बारे में तो उसको तो फिल्म मिल गई होगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो आप में इन्वेस्ट करता है, तो आजकल तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप किससे रिलेटेड हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो खुद डिसीजन लेता है, वो जो डायरेक्टर है वो खुद डिसीजन लेता है कि आप कैरेक्टर के लिए सही हैं या नहीं, तो आई डोंट थिंक कोई बायस है एट ऑल। आई थिंक वो लोग भी उन लोगों को ही लॉन्च कर रहे हैं जिनको जो उनकी फिल्म को कोई फ़ायदा करें, जो ऑडियंस को पसंद आए, आई डोंट थिंक कोई बायस है।